जैसे कि काउंसलिंग चल रही है, सो सबके मन में डाउट रहता है कि ABS को ऊपर रखें फिर जेल बजाज को ऊपर रखें, इन दोनों में से कौन सबसे टॉप कॉलेज है जहाँ पे हमें ROI बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमारा एडमिशन लेना, जहाँ पे हमारा BTEC करना वर्थ इट रहेगा। सो अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक पे, आज हम एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं कि जेल बजाज बेटर ऑप्शन है या फिर ABS बेटर ऑप्शन है, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखना कि कहाँ पे आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, कहाँ पे आपको CSE मिलने के चांसेस हैं, कहाँ पे आपको ROI अच्छा निकलता है, प्लस अगर आप जेल बजाज में मैनेजमेंट कोटा से जाते हो तो आपको कितना देना पड़ेगा, एंड ABS में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाते हो तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि हमने बात करी जेल बजाज एंड ABS दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है, सो अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ, जेल बजाज जैसे कि आप सबको पता है ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 के पास है, प्लस अगर मैं बात करूँ ग्रेटर नोएडा के टॉप 5 कॉलेजेस में ये आता है। स्टैब्लिश की बात करूँ 1997 में कॉलेज आपका स्टैब्लिश हुआ था, AKTU से अफिलेटेड है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड की बात करूँ AICTE अप्रूव्ड है, प्लस कॉलेज को NAC A+ भी मिला हुआ है। NRF रैंकिंग देखते हो कि कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि कॉलेज के पास NRF रैंकिंग होना ज़रूरी है, सो उस रिगार्डिंग देखते हो कॉलेज की NRF रैंकिंग जो आपको लाए करती हुई मिलेगी डैट इज़ 151 to 200 के बीच में। प्लस अगर हम ABS की बात करें, ABS आपका सिचुएटेड है गाजियाबाद में। गाइस अगर मैं ABS की बात कर रही हूँ तो इट मीन्स मैं इसका EC वाला कैंपस टारगेट कर रही हूँ, ठीक है। ABS के दो कैंपस हैं, एक इसका EC है और एक इसका IT है, ठीक है। बट अगर मैं स्टूडेंट रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग बोलूँ और प्लस ROI के अकॉर्डिंग बोलूँ, इसका EC वाला कैंपस ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू IT। सो ABS इट मीन्स आई एम टारगेटिंग EC कैंपस, ठीक है। स्टैब्लिश्ड की बात करूँ 2000 में कॉलेज आपका स्टैब्लिश्ड हुआ था, सेम ये भी आपका AKTU से अफिलेटेड है, AICTE अप्रूव्ड है, NBA एक्रीडिटेशन कॉलेज को मिला हुआ है, प्लस इसको भी NAC A+ मिला हुआ है। आगे चलते हैं फीस की बात करूँ, कंपैरिजन करते हो तो जेल बजाज की जो आपको फीस देखने को मिलती है डैट इज़ 1.5 लाख अप्रॉक्स, ABS की जो आपको फीस देखने को मिलती है डैट इज़ 1.4 लाख अप्रॉक्स। सो फीस में आपको ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। लाइक मुश्किल से आपको 10,000 to 20,000 का यहाँ पे आपको अंतर देखने को मिलेगा। हॉस्टल फीस की बात करूँ, हॉस्टल फीस दोनों कॉलेजेस के ही काफ़ी सिमिलर है, 1 लाख+ ही आपको हॉस्टल मिलता है। जेल बजाज की बात करूँ 1 लाख 50 आपको समथिंग कुछ मिल जाएगा, एंड ABS की बात करूँ 1 लाख 38 या फिर 1 लाख 48 का आपको हॉस्टल देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं प्लेसमेंट की बात करूँ, जो मेन आपको आता है कि प्लेसमेंट कॉलेज का कितना है कितना नहीं है, किसका बेटर है, किस में अगर हम जाते हैं तो हमें मीडियम पैकेज अच्छा मिलेगा, किस में हमें नहीं मिलेगा। जेल बजाज का हाईएस्ट देखते हो, जेल बजाज का हाईएस्ट इज 58 लाख पर एनम, ABS का देखते हो, ABS का हाईएस्ट इज 35 लाख पर एनम, जो तो अभी तक CSE में बच्चों ने ग्रैब किया है। एवरेज पैकेज अगर जेल बजाज का देखते हो ऑब्वियसली 6 to 7 का है, ABS का आपको 5 to 6 का देखने को मिल जाता है। बट अगर हम इसको फीस से कंपेयर करें, जेल बजाज की आपको फीस भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो उस अकॉर्डिंग 6 to 7 LPA काफ़ी सही आपको ROI देखने को मिल रहा है। ABS की फीस आपको 1.4 मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग 5 to 6 का LPA का यहाँ पे पैकेज काफ़ी सही है। और अगर मैं बात करूँ कैंपस एरिया की, तो जेल बजाज का जो कैंपस है 17 एकर्स में बना हुआ है, ABS का जो कैंपस है वो 11 एकर में बना हुआ है। कैंपस दोनों के ही बहुत ब्यूटीफुल हैं, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है, मैनेजमेंट भी दोनों का काफ़ी अच्छा है, प्लस फैकल्टीज़ वगैरह भी काफ़ी एक्सपीरियंस दोनों में आपको मिलेंगी। इनटेक की बात करूँ कि कॉलेज में आपको कितना क्राउड देखने को मिलेगा या कितना क्राउड देखने को नहीं मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रेटर नोएडा में जेल बजाज है, तो ये थोड़ी ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पे आपको आसपास और सारे भी कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, सो कंपटीशन बहुत अच्छा मिल जाएगा। ABS की बात करूँ, ABS में आपको प्रॉपर एक फोकस देखने को मिलेगा कि हाँ आप पे फोकस किया जा रहा है पूरे 4 साल में, ठीक है। CSE की बात करूँ, जेल बजाज में 300 का इनटेक है, ठीक है। अगर आप IT लेते हो, CS लेते हो या फिर AIML लेते हो तो उसमें आपको 180 सीट्स देखने को मिल जाती हैं, AIML में 60 सीट्स हैं और AIDS में 60 सीट्स हैं, सो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपको यहाँ पे CS में देखने को मिलेंगे डेट इज़ 1200। और अगर आप देखते हो कि CE मैकेनिकल सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, तो इनमें आपको और भी स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। टोटल इनटेक की बात करूँ 2000+ आप मान सकते हैं, ठीक है। ABS की बात करूँ, CSE के लिए यहाँ पे 180 सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका CSE भी आ जाता है, CS भी आ जाता है, CSE भी आ जाता है,
ठीक है। अगर आप आईटी ले रहे हो या फिर आप एआईएमएल वगैरह ले रहे हो तो इसमें आपको 60 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं बात करूँ एबीएस में 960 में आपको 960 प्लस आपको टोटल स्टूडेंट्स देखने को मिल जाते हैं। प्लस अगर आप इसमें इंक्लूड करते हो कि सीएससी, प्लस अगर आप इसमें इंक्लूड करते हो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर आपको अराउंड 1500 का इनटेक देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करें प्लेसमेंट और रिक्रूटर्स की, जो कि बहुत मेन प्रोसेस होता है, कंपनी जो जीएल बाजार में आती हैं डेट इज 300 प्लस, बट जो एबीएस में आती हैं वो डेट इज 350 प्लस। सो अगर आप फीस के अकॉर्डिंग देखते हो तो एबीएस थोड़ा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू जीएल बाजार, बिकॉज इनटेक भी कम है, कॉलेज में आपको काफ़ी अच्छी कंपनीज आने देखने को मिल जाएंगी। ऑफर्स की बात करूँ जीएल बजाज में बच्चों को जो अब तक ऑफर्स मिले हैं डेट इज 2000 प्लस, एबीएस में 2500 प्लस बच्चों को ऑफर्स मिले हैं। रिक्रूटर्स अगर एबीएस का देखते हो तो आपको अमेजोन हो गया, बायजूस हो गया, केपेज मिनी हो गया, सिस्को हो गया, और बहुत सारे आपको रिक्रूटर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड सेम एज जीएल बजाज देखोगे अमेजोन हो गया, इंट्यूट हो गया, एक्सपी मीडिया हो गया, ऑटोडेक्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, जीएल बजाज टारगेट कर रहे हो तो सीएससी के लिए काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो तो आपकी काफ़ी अच्छी रैंक होना ज़रूरी है। 1 लाख तक अगर आपकी रैंक है, फिर 1,50,000 भी है, 2 लाख तक भी है, तब भी आप एक बार को जीएल बजाज टारगेट कर सकते हो। एबीएस देख रहे हो तो ट्राई कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट एडमिशन लेने का, अदरवाइज मैनेजमेंट कोटा के थ्रू लेने का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ सीएससी के लिए देखते हो तो यहाँ पे आपकी 70% पीसीएम से ज़्यादा होनी चाहिए। प्लस अगर आप एबीएस का देखते हो, एबीएस का भी सेम है कि यहाँ पे आपकी 70% पीसीएम में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी क्या आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएल बजाज देख रहे हो तो आपकी 70% पीसीएम में होना भी मैंडेटरी होता है, चाहे आप जीएल बजाज ही क्यों ना टारगेट कर रहे हो। एबीएस देखते हो तो यहाँ पे आपकी 60% होना ज़रूरी होता है कि अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हो, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा के बारे में अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए या फिर थोड़ा डिटेल में चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैंने नीचे अपना डिस्क्रिप्शन नंबर प्रोवाइड कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।